ग्राउंड में टीम मौजूद है सफीदो डीएसपी ऑफिस में, और यहाँ जो पिछले घटना हुई थी 24 तारीख को, जो एक कुलदीप नामक युवक था गांव सिंगाणा से, जिसकी डेड बॉडी मिली थी सफीदो बाईपास मोड पे, उसी बारे में आज डीएसपी से मिलने आए हैं। उनके भाई मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। क्या मामला, आज डीएसपी साहब से मिले हो? क्या मामला भाई? दो दिन और रुक जो, दो दिन के बाद हमने बता दूंगा, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा, मिल लियो दो दिन बाद, बस ये बात कही है जी डीएसपी साहब ने। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। पुलिस प्रशासन से क्या मांग आपकी? पुलिस प्रशासन से ये मांग है जी, मामला तो न्याय चाहिए, माना कातिल का पता लगना चाहिए, कौन है वो, गांव का है, बाहर का है, जो भी है, ठीक है। पूरा सका हमने इंजी मरा पाया जी, जिसके पास ये काम करे था भाई, ठीक है जी। इस तक का मामला और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आपका मानना है कि आपके भाई की हत्या हुई है? मेरे भाई की हत्या करी गई है जी। तो इस मामले में पुलिस से आपसे बात की है, जिसमें अधिकारियों से मिले, पुलिस के अधिकारियों से मिले, उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है जी, कभी कहते एक्सीडेंटल केस है, कदे कहते जहर खा रखे है, कदे कहते कुछ है, इन्हें तो लारा ला रखे जी। आज फिर दो दिन का टाइम ले लिया जी, ईसीआई स्टाफ में कहा जी हम उनको दे देंगे, जिसको नाम दे रखे हमने 15 दिन पहले, आज लग उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पेश नहीं हुआ उनमें। अच्छा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया? किसी को नहीं गिरफ्तार कर रखा। ये SHO ने पैसे खा रखे हैं जिसमें, SHO ने, थानेदार ने खूब रुपये खा रखे हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाला भी बुला था यहाँ DSP साहब ने, उसको कोई बोला ही नहीं, हो एक बार भी जवाब नहीं दिया किसी बात का उसने। अभी कितने दिन का टाइम दिया आपको? दो दिन का टाइम दिया जी। अगर दो दिन के बाद भी अगर आपकी संतुष्टि नहीं, तो इसके बाद क्या कदम रहेगा आपका? हमारा कदम नीलवेज के पास जावेंगे जी, हम तो सीधे अम्बाला। अच्छा, हाँ जी, रोड जाम करांगे, कटर का भी जावांगे, नीलवेज के पास जाएंगे वाले, वही इंसाफ मिलेगा हमको, और वही इंसाफ दिलाएंगे हम, दोनों उसी के पास जाएंगे। तो अभी तक कोई इंसाफ की उम्मीद मिली? कोई उम्मीद नहीं जी। तो यहाँ जो मृतक युवक था 24 तारीख को, जिसकी डेड बॉडी सफीदो बाईपास के बाईपास से मिली थी, उसके परिजन हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि पुलिस से उनको इंसाफ की अभी तक कोई उम्मीद नहीं मिल रही, और ये दो दिन का समय आज DSP साहब ने इनको दिया। अगर इनका ये कहना है कि दो दिन के बाद भी कोई इंसाफ की अगर किरण नज़र नहीं आती, तो ये गृह मंत्री इन्हीं से मिलकर इस मामले को उनके सामने रखेंगे। अब देखना ये होगा कि सफीदो पुलिस मामले में आगे किस तरह कार्रवाई करती है, और इसी बारे में हम DSP से भी बात करेंगे इस घटना को लेकर, कि क्या मामला, उनका क्या कहना है। ये 36 नंबर मुकदमा यहाँ पे सिटी सफीदो थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की लाश सड़क किनारे मिली थी, जिस पर कुछ चोट के निशान भी थे। उसी से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसकी मोटरसाइकिल मिली थी, और वहाँ पे कुछ उल्टियों के निशान और उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी वहाँ पे मिले थे। तो गांव वालों ने ये संदेह जाहिर किया है कि इसमें इसकी किसी मौत में किसी ने मर्डर किया है इसका। हमने FSL की टीम यहाँ पे बुलाई थी, उन्होंने इस मामले को थोड़ा संदिग्ध करार देते हुए ये बताया था कि इसमें या तो इसने जहर लिया है, या फिर इसने कुछ दारू और कुछ पीने से इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिससे ये उठ के सड़क पे गया था और वहाँ पे इसकी किसी वाहन से टकराने से मौत हो गई है। तो हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें मर्डर का मामला 302 धारा के तहत इसको दर्ज किया था। उसकी जाँच हमारे पुलिस थाना सिटी सफीदो द्वारा की जा रही है, लेकिन गाँव के लोगों को उससे अभी इतनी संतुष्टि नहीं है, तो हमने इसको CIA सफीदो को सौंपने का विचार किया। सर, जो मृतक युवक के परिजन है, उनका पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने पैसे देकर इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें पुलिस का कोई दबाने का प्रयास नहीं है, किसी भी तरह की ऐसी नहीं है। उन्होंने परिवार वालों को इसमें शंका है कि इनके ठेकेदार का कुछ रोल हो सकता है और मुनीम का कुछ रोल हो सकता है, तो उसकी जाँच से ये अभी तक संतुष्ट नहीं है, तो हम इसको CIA सफीदो से करवा के इनकी संतुष्टि करवाएंगे। तो अभी तक सर 15 दिन लगभग बीत चुके हैं, इसमें अभी तक पुलिस ने की इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है सर, कहाँ तक पहुँचे? नहीं, इस मामले में इसका CDR निकलवा के इसका, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वहाँ पे मिला नहीं था हमें, और इसके एक फ़ोन बटवा था वो भी वहाँ पे नहीं मिला था, तो मोबाइल फ़ोन की हमने इसकी जो CDRs निकाली, उनसे जिन भी लोगों से इनकी बातचीत थी, पुराने लास्ट बातचीत थी, उनसे हमने शामिल जाँच किया। उन शामिल जाँच में किसी एक व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग भी पेश किया, जिसमें ये बता रहा है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे मैं परेशान हूँ, उस तरह की बातें की, किसी रैंडम नंबर पे ये बात कर रहा है। तो हम लोगों से इस तरह से पूछताछ कर रहे हैं, और ठेकेदार को भी बुलाया गया है सिटी सफीदो, जैसे SHO ने मुझे बताया कि ठेकेदार को यहाँ पे बुलाया, उससे भी हमने बात करी। तो अभी तक की जांच में ऐसा कोई संदेह हमारे सामने तो नहीं आया, लेकिन इनकी संतुष्टि के लिए हमने इसको CIA को सौंपने का फैसला कर लिया। यदि पीड़ित परिवार को सामने यदि ऐसा कोई सबूत है तो आप हमें दीजिए, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।